दिवस सर्किट हाउस थोड़ी मन रहा है इंचार्ज साहब, मैं पैदल चला जाता हूँ आपको गाड़ी से। एक सेकंड सर, प्लीज सर, एक सेकंड। नहीं, मैं पैदल चला जाता हूँ। एक एक नहीं सर, सर एक सेकंड, आप मुझे एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, सर आप हाथ मत लगाइए पहले, पहले हाथ मत लगाइए। मैं हाथ लगा रहा सर, मैं हाथ लगा रहा सर। मैं आपको उग्रवादी हूँ सर, आप रुको सर। मैं एक MLA हूँ, बिल्कुल सर, आपका निमंत्रण मिला है मुझे इस चीज का कि मुझे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में आना, आप किस वजह से रोक रहे हैं? हाँ, सर्किट हाउस ले लो सर प्लीज। नहीं, सर्किट हाउस क्यों ले लो? हाँ। मैं कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया। नहीं सर, हाउस अरेस्ट नहीं सर, सर्किट हाउस ले लो सर। यह गणतंत्र दिवस समारोह यहाँ मन रहा है, बिल्कुल सर। ये गणतंत्र दिवस समारोह का मुझे निमंत्रण मिला है, मैं खेल के अपना नाम बताइए। इंस्पेक्टर राजीव, अब दिखाइए। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर राजीव, इंस्पेक्टर राजीव, आप क्यों रोक रहे हैं? मुझे कारण बताइए। नहीं सर, आप सर्किट हाउस, नहीं सर प्लीज, आप सर्किट, नहीं मैं सर्किट हाउस क्यों जाऊं? कोई रिटर्न में फिर आ जाइए आप सर, साथ में आ जाइए। जबरदस्त, नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर प्लीज सर, सर प्लीज 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 सर, नहीं सर, हम आपकी सेवा के लिए लगाया सर। नहीं, ये क्या सेवा कर रहे हैं आप, मुझे कमाल कर दिया। नहीं सर प्लीज, आप 26 जनवरी मनाने के लिए रोक रहे हैं MLA को? नहीं, और कौन रोक रहा है? आप ही रोक रहे हैं। नहीं, आप सर्किट हाउस से सीधा आती हो सर प्लीज। ये सर्किट हाउस क्यों जाना मैंने भाई, जब प्रोग्राम आप सर्किट हाउस से आ जाइए। आप पे 9:40 में लिखा हुआ है कि 9:40 से पहले आपने 15 मिनट पहले यहाँ पहुँचना, मैं अपने समय पे आ रहा हूँ। आप सर्किट हाउस से आ जाइए सर, एक बार सर्किट हाउस। तो अपने किसी उच्च अधिकारी से बात कराइए आप। मैं कराता हूँ, ड्राइवर बैठ कराइए। नहीं, मैं कराता हूँ, खड़ा हूँ यहाँ, मैं कराता हूँ बैठ। नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ये तो भाई अजीब गुंडागर्दी है देश के अंदर। गुंडागर्दी नहीं और क्या, आप बैठे सर प्लीज, सर्किट हाउस ले लो आप, सर्किट हाउस ले लो। मैं क्यों बैठूं, मुझे ये बताओ ना क्या कारण है, कौन सा ऐसा रीजन है आप मुझे 26 जनवरी मनाने से रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे सर, नहीं रोक रहे, नहीं आप नहीं रोक रहे, नहीं रोक रहे। प्रोग्राम क्या 26 सर्किट हाउस में है क्या? प्रोग्राम तो ये यही है सर, आप सर्किट हाउस से आ जाओ। मैं एक MLA हूं, मुझको आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बिल्कुल सर, जनता के प्रतिनिधि हो सर, बिल्कुल आप बैठो। और आपने निमंत्रण दिया है मेरे को, सरकार ने निमंत्रण दे के आई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो राजीव जी गलत बात है, आप नहीं नहीं सर प्लीज सर, सर सर प्लीज नहीं जाएंगे सर प्लीज, ना ना सर, ना प्लीज, ना नहीं ना सर प्लीज, नहीं ना सर, आराम से, ना सर प्लीज, ना 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 प्लीज प्लीज ना सर। नहीं ये गलत, नहीं आप 26 जनवरी मनाने से MLA नहीं नहीं रोक रहे सर, नहीं रोक रहे। और किस चीज के लिए रोक रहे हैं आप? नहीं रोक रहे सर, नहीं रोक रहे। और किस चीज के लिए रोक रहे हैं आप मुझे? आप बैठो बैठो, आप सर्किट हाउस से ले लियो। नहीं सर्किट हाउस मैंने क्यों जाना भाई, मुझे सर्किट हाउस क्यों? ड्राइवर आप हो क्या? गाड़ी लिया ना? नहीं भाई, वो कहीं नहीं जा रहा, आप या तो मुझे अरेस्ट करिए। मैं सर्किट हाउस क्यों जाऊं भाई, मेरे को और 10 प्रोग्राम है। आप बैठो सर, बैठो। नहीं मैं क्यों बैठू? राजीव जी कमाल कर रहे हो, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। ना ना जबरदस्ती, मुझे 26 जनवरी नहीं मनाने दे रहे, आप कमाल कर दिया। लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा देर क्या हो सकता है? आप गाड़ी थोड़ा साइड भाई, मोबाइल उन्हीं का है, अपने किसी और गाड़ी साइड, सब जाम हो गया यहाँ पीछे, गाड़ी साइड में कर ले पहले। अरे उस तरफ जाम आवाज है, उसने सीधा रखवा दे, सीधा रखवा दे, जाम सीधा निकलवा दे, सीधा निकलवा दे। एक मिनट सर, अबे ड्राइवर कौन है इस गाड़ी का? सीधा निकलवा दे। हाँ वो बैठ गया, हटा दो भाई, हटा दो प्लीज। और एक बार आप बैठ लो रणजीत जी, मैं गाड़ी में नहीं बैठा, सुनिए, मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ। एक मिनट साइड मार, मेरे को इस तरफ आ जाओ भाई, इस तरफ आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या कर लीजिए इस तरफ आ जाओ, ये व्हीकल निकल जाएंगे हरी बुरिया सर, ये IUCL में जाऊंगा ना सर, इस तरफ आ जाओ, आइए बुरिया। नहीं भाई, IUCL में जाऊंगे सर, उन विकलांग उदाहरण दो बुरिया, इस तरफ आइए सर प्लीज, आइए भाई। आप मेरे को सरकारी प्रोग्राम में 26 जनवरी में जाने से क्यों रोक? नहीं रोक रहे सर, नहीं रोक रहे, आप सर्किट हाउस से यहाँ से सर्किट हाउस, नहीं सर्किट हाउस में साथ जाओ, साथ में आ जाओ सर आप। नहीं, किसके साथ में आ जाऊँ मैं? आ जाओ सर आप, आ जाओ, मैं किसके साथ में आ जाऊँ? कमाल कर दिया, तो रिटर्न में ऑर्डर दिखाओ आप, कमाल ही कर दिया आप लोगों ने। बंद कर दो ना, पहले बंद कर दे। नहीं नहीं नहीं, नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद।
लिया, आज प्रशासन की तरफ से मुझे कार्ड मिला कि 26 जनवरी का सरकारी कार्यक्रम है और 9:40 पे यहाँ पहुँचना था, कि उससे 15 मिनट पहले आप पहुँचे, मैं नियत समय पे आया। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ खड़े हैं और मुझे 26 जनवरी के सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाने दिया जा रहा। इससे ज़्यादा दुखद घटना हरियाणा के इतिहास में कोई नहीं हो सकती कि एक विधायक को गणतंत्र दिवस मनाने से रोका जा रहा है। पता नहीं पुलिस के ऊपर किसका प्रेशर है, किसका दबाव है, क्यों ये एक विधायक को गणतंत्र दिवस मनाने नहीं दे दिया। नहीं हो सर, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो सर, नहीं हो। फिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? सीधे सीधे चलो चलो। की तरफ से निमंत्रण भी आपका है। इस तरफ आ जाओ सर, प्लीज। यहाँ पे सर, प्लीज प्लीज सर, मुझे उस चीज पे मजबूर ना करो कि जिस चीज पे आपको भी तकलीफ और हमें आप आ जाओ इस तरफ। मेरे यहाँ खड़े रहने में क्या खतरे? आ जाओ सर, उस तरफ क्या हो जाएगा सर? आप मारी मान लो, आप भी तो मारे कुछ बड़े बड़े। आप मुझे इतना बताएं, आप 26 जनवरी मनाने से मुझे नहीं रोक रहे सर, ना रोक रहे। इस तरफ आ जाओ, नहीं तो क्या MLA यहाँ से नहीं जाएंगे क्या? कौन सी बात, मैं पैदल चला जाता हूँ भाई। मूलचंद शर्मा जी वहाँ सेंट्रल थाने से पैदल आएंगे यहाँ? क्या बात कर रहे हैं मनोज जी आप? नहीं, आप शायद पहली बार यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सर, आप सर, आइयो आइयो, आप बहुत खुश हो गए। हम तो आपसे पहले 26 जनवरी मना रहे हैं। हम भी तो आप क्या नौकरी कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? नौकरी आप सरकार की कर रहे हैं। मुझे रोक क्यों रहे? सिर्फ इतना बता दो कि नीचे शर्मा जी आप किसके रोक? मतलब या तो रोक क्यों नहीं रहे? नहीं सर, एक सेकंड सर, इस्तेमाल कर लो देखो, राष्ट्रीय पर्व की बात है, इसमें हमारा ना आपका इंडिविजुअल सभी का पर्व है। इसका कुछ डेकोरम होता है, उसमें भी आपको पता है क्या डेकोरम होता है? मुझे बताइए, इस कार्ड में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं लिखी। इस पर 9:40 का समय था, आपने लिखा कृपया प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले अपने स्थान पर आ जाए। मैं 15 मिनट पहले आ गया, जाने आप नहीं दे रहे मेरे को तो। ये तो राम जी का नाम है, इससे भी तकलीफ हो रही है क्या आपको? नहीं, राम जी का नाम ना लिखे अपने कपड़ों पे। हम तो सुबह उठते हैं, दो राम राम, शाम को जाते हैं दो राम राम, और मेरे कपड़ों में जाते हैं। कोई मैंने सरकार का विरोध कर रखा हो, कोई काले कपड़े बांध रखे हो, तो राम जी का नाम है और सत्य बने पड़े। ये रणवीर जी आप बिना ऑर्डर के गलत तरीके से रोकने वाली कोई बात नहीं है सर, आप बहुत अच्छी तरह से जाइए। और तो मैं तो जाने को बैठा हूँ, कौन मना कर रहा है? आप नहीं जाने दे रहे मेरे को? जनता के प्रतिनिधि हो, तो और आप हमारे से अच्छी तरह से जानते हो इसको कैसे मनाया जाता है, हमारे से बेहतर तरीके से जानते हो। सुबह सुबह अपने टाइम से आए, लोग तो आप रहे ना, ये आप रोक भी नहीं रहे, कमाल कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ तो मिनट में हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं रोक भी नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मुझे वो रिटर्न में ऑर्डर दिखा दो, आपको इस वजह से नहीं जाने दे अभी अभी। आप रोक रहे हैं मुझे, हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। आप रोक रहे हैं मुझे 26 जनवरी में जाने के लिए कि नहीं? सिर्फ आप मुझे ये बता नहीं दादी जी, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, सारी गाड़ी जा रही है, आप मुझे 26 जनवरी में जाने से रोक रहे हैं ना नहीं रोक रहे? मुझे हाँ नाम क्या? आप मुझे 26 जनवरी में जाने से रोक रहे हैं कि नहीं? क्या मैं 26 जनवरी मनाना चाहूँ कि जरूर मनाओ सर, मना कीजिए।
मंत्री आ गया, मंत्री मंत्री आ गए। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने आदेश दे दीजिए वो भी आप नहीं दे रहे, मतलब इससे ज्यादा पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है। ना पुलिस गुंडागर्दी नहीं, नहीं और ये गुंडागर्दी नहीं और क्या राजीव जी, ना तो आप मुझे ऑर्डर दे रहे और ना ही आप मुझे जाने दे रहे हैं। अभी नहीं, अभी तो है भी टाइम। कितना टाइम है बताइए, क्या हो गया इस समय? झंडा तो फहर लिया ना सर? ना आपने आज एक भारत के हरियाणा के एमएलए को झंडा फहराने में सम्मिलित होने से रोका और आप रणधीर जी आप भी नहीं जाने दे रहे रणधीर जी? नहीं, हम आप हमारे से बेहतर जानते हो, आप जनता के प्रतिनिधि, आपको अच्छी तरह से पता है गणतंत्र दिवस पर का क्या डेकोरम है। क्या मुझे बताओ ना क्या डेकोरम है? इस पर सिर्फ एक डेकोरम है क्या? क्या कारण होने से 15 मिनट पहले अपना स्थान अलग से ग्रहण करें? ये हर्ष उल्लास का समय है। तो मैं भी हर्ष उल्लास मनाने, शोक मनाने का नहीं। तो मैं तो शोक नहीं मना रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं शोक मनाने आया? जस्टर दिख रहा होगा, जब भी हम आएंगे नहीं हम क्या 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 जस्टर दिख रहा है बताओ? राम जी का नाम आपको शोक का नजर आ रहा है? और है सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज जी आ रहे हैं। जनवरी के लिए रोक दिया है। ये कपड़ों में क्या बुरा? ये साहब राम जी का नाम लिखा हुआ है, साथ में पूरा देश राम में हुआ है। आपको बता दिया अब डेकोरम होता है हर्ष उल्लास का। जनवरी का जो है मेरे को जब ये निमंत्रण दिया गया, निमंत्रण में मेरे को सिर्फ एक चीज के साथ के आपको कार्यक्रम कर दिए 15 मिनट पहले क्यों 15 मिनट पहले मेरे कपड़ों के ऊपर आपको मैं तो नहीं कह रहा, मैं सर इसको कहाँ कफन मैं इसमें कहाँ कफन लिखा हुआ आप बताइए? नहीं आप देखिए इसको पूरा पढ़ लीजिए, कहीं इस पर कफन शब्द लिखा हुआ नहीं, इस पर कहीं कफन लिखा हुआ है क्या? नहीं मैं तो क्या कह रहा हूँ, इस पर कहीं कफन लिखा हुआ है? राम जी का नाम लिखा हुआ है, साथ ही इस पर बड़े हुए हैं और उसके बावजूद मुझे निमंत्रण ना देते मैं नहीं आता इतनी ठंड में। मुझे तो निमंत्रण, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ आप मुझे ऑर्डर दे दीजिए बात दोनों बात करें।
क्या मना करने के लिए कि आपको नहीं मिल रही है? मैं कल उनसे फोन करके ही आया हूँ कि रिक्शा में आऊँ कि ना आऊँ। मेरी भी तो रिक्वेस्ट है, यही बात कर लेते हैं। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को रोज क्यों नहीं है, मुझे सिर्फ इंतजार का जवाब। मैडम राम जी का नाम शोभा नहीं देता, राम जी का नाम शोभा नहीं देता। मैडम मेरी विधानसभा की समस्या है, मेरे उनके बच्चों के जिंदाबाद में कोई भी यहाँ पर हमने सबसे बना रखे हैं अपने, कहीं कोई गलत लिखा हो पीछे राम जी की चौपाई है, राम सीता जी की फोटो है। इस ड्रेस में क्या तकलीफ है आप? उन्हें भगवान का नाम लेना बंद कर दें। अब आप मना कर रहे हैं मुझे छुट्टी देने की, ये मैंने किस हिसाब से, आप किस हिसाब से ये भ्रष्ट भाजपा सरकार जब भी घबराती है और पुलिस को आगे करती है। आज राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी का, गणतंत्र दिवस का, और जो सरकार ने मुझे निमंत्रण दिया उस निमंत्रण के हिसाब से मैं यहाँ पर्व मनाने के लिए आया, और पुलिस वालों ने मुझे अंदर 26 जनवरी के प्रोग्राम में जबरदस्ती जाने से रोका। क्या कह क्या रहे हैं पूजा विशेष जी लिखी और उनको तकलीफ है जी, राम जी का नाम क्यों लिखा हुआ है आपने अपने कपड़ों पे, साथिये क्यों बना रखे हैं पीछे, रामायण की चौपाई क्यों लिखी हुई है, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोन पवस नरक अधिकारी। और ये बहुत ही दुखद बात है कि एक विधायक को इस तरीके से सरकारी प्रोग्राम में जाने से आज लिखा। ड्रेस कोड वो कह रही थी अभी कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो शायद ठीक नहीं है, ड्रेस कोड भी है नहीं? इस निमंत्रण में तो ऐसा कोई ड्रेस कोड नजर नहीं आ रहा था कि इस निमंत्रण के अंदर कोई उन्होंने ड्रेस कोड के लिए मेरे को कहा हो या मेरे से बात की हो कि ये ड्रेस कोड आपको लेके आना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो इन्होंने समय दिया था मैं अपने समय दे रहा हूँ, और उसके बाद ये बहुत ही दुखद बात है, ये हमारे जिस चीज़ के लिए हमने आज़ादी ली थी, जिस चीज़ के लिए हमारा गणतंत्र बना था, जिस चीज़ के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, आज इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने वो कुर्बानी बिल्कुल फेल कर दी। कारण हमने आज़ादी तो मांगी थी कि हम स्वच्छंद रूप से कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में जाएं, परंतु आज इन्होंने देश की आज़ादी भी एक आम नागरिक से छीन ली। देख सकते हैं